गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी उन लेवल्स की जहां हम इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से और लेते हैं ग्लोबल क्यूज़। और देखेंगे तो कल बहुत एक अच्छी रिकवरी हम लोग ने कल आते हुए देखी डाउ में, और 184 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और नैसडैक ने तो उससे भी बढ़िया एक मूवमेंट दी, करीब करीब 1.5% की, और 239 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और ये एक अच्छी बेसिकली शुरुआत हो सकती है हमारे आज के ट्रेडिंग के लिए भी। और हम लोग देख रहे हैं कि आज जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी करीब करीब 85 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये इसी को हम लोग बेस मानते हैं और समझते हैं कि निफ्टी में आज क्या हो सकता है। तो निफ्टी में आज हम लोग देख रहे हैं निफ्टी में आज हम लोग ये जो आज का जो लेवल है वो मैं बाउंड्री है वो करीब करीब 19493 मतलब 19500 के आसपास मैं मार्क कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी 85 पॉइंट ऊपर खुलेंगे ऐसा अगर लगता है तो ये करीब करीब 14500 के आसपास हम लोग खुलेंगे। अब अगर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं अगले 10-15 मिनट में तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल 19561 और 19649 इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 19500 को क्रॉस करने में सफल नहीं होते हैं तो ये वापस हम लोग को एक छोटा सा करेक्शन दिखा सकता है और फिर ये हम लोग 19442 के आसपास वापस आ सकते हैं। 19442 वापस एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा जहां हमको ये देखना है कि वहां से भी वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और उसके नीचे अगर आया तो फिर हम लोग आज फिर वापस से कल की बनाई हुई बढ़त हम लोग आज खो देंगे। तो फिर अगर 9442 के नीचे आते हैं तो फिर आपके लिए टारगेट होगा 9370 और 19295 का। तो आपको बाउंड्री लाइन के अलावा ये जो लेवल है 19442 की उसको भी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ही आप शॉर्ट करेंगे, उसके पहले आप शॉर्ट नहीं करेंगे। ये निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो लेवल आज निकल के आ रही है वो है 45500 का, जो हमारे लिए आज बाउंड्री का काम करेगा। हो सकता है हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर ही खुलेंगे और फिर वहां हम लोग ऊपर खुलने के बाद में फिर ना 44697 और 44919916 ये दो लेवल के लिए हम लोग ट्रेड करते ऊपर हम लोग नजर आएंगे। अगर हम लोग थोड़ा ऊपर खुलते हैं वापस नीचे आते हैं तो 44500 ये लेवल पे आप वापस से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस 44500 ब्रेक हो जाता है, प्राइस उसके नीचे आ जाती है तो फिर आप वहाँ शॉर्ट करेंगे और 44370 और 44200 ये दो लेवल के लिए आप नीचे शॉर्टिंग का आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पज से होती है। यहाँ मेरा कोई भी आपको बाय या सेल्स के रिकमेंड देने का कोई इरादा नहीं है। लेवल्स मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड कर सको और आप अच्छा पैसा बना सको। तो दोस्तों आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।